नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हुंडई i20 पेट्रोल जो कि कापा इंजन आता है। इसमें CVVT टाइमिंग पोजीशन है जिसे हम मिलाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम टाइमिंग पोजीशन मिलाने वाले हैं i20 पेट्रोल कापा इंजन में। जो i10 ग्रांड भी पेट्रोल इंजन आएगा तो उसमें भी सेम ही पोजीशन है। तो इसको मिलाने के लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा एरो है और ऐसा एरो एकदम सामने इधर आता है। हालांकि मुझे गैस में दिख नहीं पा रहा है। ये रहा, इसका पोजीशन हमें सेम कर लेना है। हालांकि ये सेम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन पोजीशन जो होता है ये देखना है। यहाँ पे बिंदी लगी है और इसमें यहाँ पे कट है, ये हमारे मार्किंग है और ऐसा है। ये चैन पे है, पकड़ दो। ये दोनों कट दिख रहे हैं, ये आपको सीधा कैमशाफ्ट पे जाएगा जो कि बिंदी के जस्ट एकदम सामने ही आएगा और ये नीचे आ जाएगा मेन पर, जो कि नीचे आपको दिखा दूं मैं, जो कि हमारा मेन ये रहा मेन पिल पर। क्रैंक का पोजीशन है, ये बिंदी है, बिंदी एकदम टाइमिंग का जो चैन में मार्क है मार्क के सामने आ जाएगी और इसका पोजीशन सेम इधर आ जाएगा सामने। तो चलिए ये सब लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम चैन चढ़ा लेते हैं फिर आपको टाइमिंग पोजीशन कम्प्लीट दिखाएंगे। चैन टाइट कर रखो, तो जैसे पकड़ रखना खाली चैन को, घूमने मत देना बिल्कुल भी, नहीं तुरंत टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा जिसकी वजह से अंदर चेक लाइट भी आ जाएगी और गाड़ी स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर घुमा नहीं है ना? नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा, आराम से मारो उसको। हाँ तो देख सकते हैं ये नीचे की टाइमिंग है, ये रो ये रहा पैरों के सामने एकदम है क्रैंक, दूसरा कैमशाफ्ट, ये बिंदी और एकदम सामने क्या हुआ है और इसके सामने ये है दूसरा सीवीटी का पोजीशन नहीं रहा। एक एरो है और उसके सामने जस्ट दूसरा एरो भी है, ये भी सामने है। इसका कोई दिलन देना नहीं, अगर थोड़ा भी आउट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पोजीशन अपना ये देखना है चैन का। और दूसरा सपोर्ट पट्टी मार दी हमने, ये लिफ्टर है ये कंप्लीट हो गई है और इसके पहले तो पट्टी मारेंगे हम और दूसरा उसके बाद ही लिफ्टर खोल देंगे। फिलहाल हम रोक करके रखें, पहले टाइमिंग पोजीशन कंप्लीट चेक कर ले, कंप्लीट हो उसके बाद ही इसको खोले चैन को। तो चैन टाइट हो जाए उसके बाद इंजन में दो राउंड घुमा दे जैसे को, कहीं वाल टकराना नहीं चाहिए। तो चलिए सब कर लेते हैं फिर इंजन घुमा के देख लेते हैं। बस नोजल हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो गया और इंजन हम राउंड कर लेंगे। अब राउंड कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया टाइम पोजीशन जो
भी इंजन हमने राउंड करके देख लिया 3 से 4 राउंड, कहीं वाल टकराया नहीं। और जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।